अज की इस वीडियो दे विच मैं तुहानू जिस देश बारे जानकारी देण जा रहा हाँ वह पूरी दुनिया की सुपर पावर अखवाउंदा है। इस देश दे कोल सब तो ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है ते ए उही देश है जिसने पूरी दुनिया नू सब तो ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर बारे भी दस्सिया है। इस देश दे विच जिहड़ी चीज़ नू सब तो ज़्यादा पसंद किया जाता है वह चीज़ है पीज़ा। ओलंपिक दे विच सब तो ज्यादा गोल्ड मैडल भी यह देश जीतता है ते यह देश दे विच ही सब तो ज्यादा इंडियन भी रहिंदे ने। यह देश इतना ज्यादा वड्डा है कि पूरे का पूरा यूरोप भी इस दे विच समा जाएगा। हाँ जी असीं गल कर रहे हैं अमेरिका की। इस वीडियो दे विच मैं तुहानू अमेरिका दे बारे हर छोटी तो छोटी ते वड्डी तो वड्डी जानकारी दूंगा, सो वीडियो नू लास्ट तक जरूर देखना। सब तो पहला तुहानू दस दिंदे आ कि इस देश का ऑफिशियल नाम है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इत्थों की आबादी 34 करोड़ के आस पास है। आबादी दे विच यह देश तीजे नंबर ते आउंदा है। जेकर आबादी की घनता या कहीए डेंसिटी की गल की जाए तो अमेरिका के हर एक किलोमीटर 36 लोग रहिंदे ने। इत्थों की आबादी का 82% हिस्सा शहरां दे विच रहिंदा है ते 18% हिस्सा पिंडां दे विच रहिंदा है। जेकर अमेरिका नूं सब तो ज्यादा पढ़िया लिखिया देश भी कहा जाए तो इस दे विच भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि द वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार अमेरिका की साखरता दर या कई लिटरेसी रेट पूरी 99% है। अमेरिका के लोग बहुत ज्यादा कैमरा फ्रेंडली होंगे ने। इत्थों के हर एक व्यक्ति के मन के हमेशा यही रहिंदा है कि वह किसी ना किसी तरह किसी टीवी शो के आ जाए। इत्थों के कई लोग कैमरे के सामने आने तो शर्माते हैं, पर ज्यादातर अमेरिकन जिहड़े होंदे ने कैमरे के भुखे होंदे ने। इस करके अमेरिका के हर 4 इंसानों के विचों एक इंसान किसी ना किसी टीवी शो का हिस्सा रह चुका है। इत्थे किसी ना किसी टीवी शो के विच आना बहुत ज्यादा चंगा मनिया जाता है, क्योंकि आम लोग भी फिर अपने आप को सैलीब्रिटी समझ लग जाते हैं। इस करके ही इत्थों के लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं किसी टीवी शो के विच आने लई। तुहानू जान के हैरानी होगी कि पूरे अमेरिका के 25% लोग किसी ना किसी टीवी शो का हिस्सा बन चुके हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका का सब तो बड़ा शहर है, तो जान के हैरानी होगी कि न्यूयॉर्क नूं पहला न्यू एम्स्टरडैम के नाम नाल जानिया जांदा सी। जिहड़े लोग पहला एम्स्टरडैम तो अमेरिका दे विच शिफ्ट हो गए सन उन्होंने ही इसका नाम न्यू एम्स्टरडैम रखिया सी, पर बाद दे विच इस नूं बदल दिता गया ते 17वीं सदी दे विच इसका नाम न्यूयॉर्क रख दिता गया। अमेरिका दे विच जेकर कोई अपराध या कोई जुर्म करता है तो वह सीधा जेल जाता है। हुण तुहानूं लगेगा कि यह नियम तो हर एक देश दे विच ही है, पर अमेरिका की गल इस करके अलग है कि दुनिया दे विच सब तो वध लोग जिहड़े जेलां दे विच बंद ने तो वह इस देश जाने के अमेरिका दे विच ही बंद ने। दस दें कि पूरी दुनिया की जिनी टोटल आबादी जेलों के बंद है उस आबादी के 22% लोग अमेरिकन हैं। अमरीकी लोगों के कुत्तों पालन का बहुत ज्यादा शौक है, इस करके अमेरिका के 5 करोड़ तो ज्यादा पालतू कुत्ते ने। इतने तो अक्सर ही लोग अपने पालतू कुत्तों के घूमते दिखाई दे जाएंगे। अमेरिका के लोगों को जुआ खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, इस करके अमेरिकन लोग हर साल 54 अरब डॉलर या इंडिया के कही 30 लाख करोड़ का जुआ खेल लेंगे ने। तुम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे जरूर सुनिया होगा, यह दुनिया का एक कमाल का स्टैचू है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਕੋਨਿਕ ਟਾਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 47% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 90% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜੁਲਾਈ 16, 1790 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 132 ਕਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 1% ਹੀ ਸੇਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਪੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੋਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ
कारण है कि दुनिया के सब तो बड़े मजीशियन और सब तो बड़े फिल्म मेकर भी अमेरिका तो ही ने। तुहानूं इह भी दस दिंदे हां कि उल्टे फुल्टे वैबसाइट देखण दे विच भी अमेरिका के लोग सब तो ज्यादा अगे ने। इत्थों दे लोग फेसबुक अते ट्विटर तो ज्यादा इधर उधर दीआं वैबसाइट देखदे ने। ज्यादातर अमेरिका के लोगों इस तरह दीआं क्रेजी वैबसाइट ही पसंद आउंदीआं ने। अमेरिका की नागरिकता लैण दे लई किसी भी इंसान नूं घट तो घट 5 साल का समा जरूर लगता है, पर किसी अमेरिकन व्यक्ति दे नाल विआह करन तो बाद उत्थों दी नागरिकता उस इंसान नूं 3 साल दे विच भी मिल सकती है। अमेरिका की करंसी अमेरिकन डॉलर है, उस दे बारे तां तुहानूं ज्यादा दसण दी लोड़ नहीं है क्योंकि तुहानूं पता ही होवेगा कि पूरी दुनिया की यह सब तो ज्यादा मशहूर करंसी है। अज दे दिन एक अमेरिकन डॉलर की कीमत इंडिया के लगभग 83 रुपए के बराबर है। इस करके तुसीं देखा है कि जदों कोई अमेरिकन इंडिया दे विच आउंदा है तो उसनूं इंडिया काफी ज्यादा सस्ता लगता है। की तुहानूं पता है कि 1867 दे विच अमेरिका ने रूस तो 7.2 मिलियन डॉलर दे विच अलास्का नूं खरीद लिया सी, क्योंकि रूस नूं डर सी कि जेकर उसका ब्रिटेन दे नाल युद्ध हो गया तो ब्रिटेन उसके अलास्का के उपर कब्जा कर लवेगा। तुहानूं दस दिंदे हां कि जिन्ना फायदा अलास्का तो अमेरिका ने लिया है इस दे बारे तो कोई सोच भी नहीं सकता। हुण मैं तुहानूं दसदा हां कि अमेरिका का वीजा प्रोसैस की है, तो जेकर तुसीं अमेरिका जाना चाहुंदे हो तो उत्थे तुहाडा किन्ना खर्चा आवेगा। अमेरिका का वीजा लैणा कोई सौखी गल नहीं है, इस दे लई तुहानूं बहुत ज्यादा परेशानियां का सामना करना पवेगा। अमेरिका का वीजा प्रोसैस होर देशों के मुकाबले काफी ज्यादा लंबा है। जेकर तुसीं अमेरिका का टूरिस्ट वीजा लेना चाहते हो तो तुहानूं अमेरिका की एम्बेसी दे विच इस दे लई अपलाई करना पवेगा। जिस तों बाद तुहाडी इनक्वायरी होवेगी, इंटरव्यू होगी, उस तों बाद ही तुहानूं उत्थों दा वीजा मिलेगा। ते नाल ही तुहानूं दस दिंदे हां कि अमेरिका दे विच 5 तों 6 दिन घूमण दे विच तुहाडा खर्चा आवेगा 2.5 लाख तों लैके 3,20,000 तक। इह सन जी अमेरिका दे नाल जुड़ियां होईयां कुछ रोचक जानकारियां। तुहानूं साडी वीडियो किद्दां लगी कमेंट करके जरूर दसना, ते साडे यूट्यूब दे चैनल जो टीम नूं जरूर सबसक्राइब करना। धन्नवाद।